तो चेक इन कर लिया था, चेक इन एक्चुअली किया 10:30 बजे और उन्होंने मुझे अंदर ले लिया था 6 बजे, तो 6 से 10 में एकदम. Let me show you a different Europe which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history which make them separated from a single country, from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans and let's explore them with Explorer Raja. मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं आ गया था स्कोपजे कैपिटल ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया फ्रॉम सर्बिया बाय ट्रेन और सुबह के 5 बजे आने के बाद मैंने चेक इन कर लिया था हॉस्टल पे. ओहो संगला भूल गया. कोई नहीं, 5:30 5 बजे शुरू होने वाली है फ्री वॉकिंग टूर, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं. सिम कार्ड देखता हूँ क्या रेट है, पर उसके पहले करना है एक्सचेंज टू मैसेडोनियन डिनार्स जिसका रेट है 1.3 इंडियन रुपीस. वैसे हॉस्टल मुझे मिला 5.5 यूरो करके पर नाइट, और मैंने 2 नाइट के लिए बुक कर लिया है. स्कोपजे के लिए काफ़ी है 2 नाइट, उसके बाद जाऊँगा एक और सिटी इन मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया. एक्चुअली यहाँ पे बोल सकता हूँ मैसेडोनिया, यहाँ पे कोई कुछ नहीं मानेंगे, पर ग्रीस में मैंने बोला कि मैसेडोनिया तो बहुत बहुत हल्ला मचाएंगे. चलो कैमरा रखता हूँ. सुबह से 3 कप कॉफ़ी खाया है और कुछ नहीं खाया, तो स्टोर दिखा तो ले लिया केक अपना जो फेवरेट चॉकलेट शेक. और लेट हो चुका हूँ वॉकिंग टूर के लिए एज यूजुअल, भागूँ या खाऊँ. और ढूंढना पड़ेगा, वॉकिंग टूर तो मिस हो गया, तो आगे एक्सचेंज प्लेस में यूरो एक्सचेंज करा लिए. 1 यूरो पड़ा 61 दिनार, तो मैंने करा 30 यूरो एक्सचेंज 1830 दिनार के लिए. तो फॉर 10 दिनार हम लोग को देना पड़ेंगे 13 रुपये. एंड लेट मी टेल यू मैसेडोनियंस आर वेरी ब्यूटीफुल करेंसी. हम लोग आ गए यहाँ पे ओल्ड बाजार टाउन पे, पूरा मार्केट एरिया है छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं. तो ये था स्कोपजे का मेन मार्केट और यहाँ पे मुझे दिख गया था टोटल टर्किश ऑटोमन इन्फ्लुएंस. जी हाँ, यहाँ पे ऑटोमन ने राज किया था और अपना इन्फ्लुएंस छाप छोड़ के गए यहाँ पे. एंड इट रियली लुक्स गुड, मतलब यूरोप में इतने दिन घूमने के बाद थोड़ा चेंज तो अच्छा लगता है. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट स्कोपजे आर इट्स स्टैचूज, जो मैं दिखाने वाला हूँ आगे. स्कोपजे मैसेडोनिया में ये एकमात्र शहर है जिसपे सबसे ज़्यादा स्टैचूज है. हाँ, सबसे ज़्यादा मूर्ति यहीं पे है और ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ और प्रूफ करने वाला हूँ अभी क्या अभी. ये तो एक इसमें तो सिर्फ 10-15 स्टैचू और दिखेंगे, हर एक बीच में कम से कम 50 से 20 स्टैचू आपको दिखेंगे. कैपिटल शहर में तो बहुत कुछ दिखे, पर एक चीज़ जो मुझे एकदम भी नहीं दिखा वो था टूरिस्ट. मुझे एक भी टूरिस्ट नहीं दिखा स्कोपजे में, फिर बाद में पता चला कि स्कोपजे उतना टूरिस्टिक सिटी है ही नहीं. वो सामने ब्रिज दिख रहा है ना आपको, उस ब्रिज के हर एक 2 मीटर के गैप के बाद आपको 2 साइड में 2-2 स्टैचू दिखेंगे. ले चलता हूँ आपको दिखाता हूँ. एंड ऑफ कोर्स यूरोप है तो आपको गरीबी दिखेगी, और स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में आपको गरीबी ज़्यादा दिखती है. बट जस्ट इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो खूबसूरत नज़ारा देखते हुए, क्योंकि ये देखने जाओगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे. बाल बाल बच्चे. लेट मी बी ऑनेस्ट, वीडियो आपको जितना बोरिंग लग रहा था मुझे भी स्कोपजे शहर उतना ही बोरिंग लग रहा था. पर अगले वाले दिन मैं गया था मटका कैनियन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, वो लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया. एंड नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ ओरिंद जो कि था फैंटास्टिक. और ये है मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस, क्योंकि मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन स्कोपजे, उनका जन्म स्कोपजे पे हुआ था. और पता नहीं इसका उनका घर है कि नहीं, पर हियर इज द मेमोरियल हाउस एंड दिस इज सम मॉस्क और चर्च. कंफ्यूजिंग है क्योंकि इधर साउथ ईस्ट यूरोप में मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का मिक्सचर चल रहा है, तो
हिंदुज़म का तो कोई सीन ही नहीं है, बुद्धिज़्म का कोई सीन ही नहीं है, पर एक क्रिश्चियन और मुस्लिम में थोड़ा कन्फ्यूजन है इधर। जो भी है, गॉड अल्लाह और भगवान सब तो एक ही है। तो ये क्रिश्चियन चर्च है और ये टावर है कुछ। तो ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इसमें कई सारे पुतले, कई सारे स्टैचू। एक साथ से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक ही ब्रिज पे मेरे को अभी तक 40 से ज़्यादा पुतले दिख गए। और साइड में तो और भी है, साइड से लो तो और पुतले हैं। तो इतने सारे जो स्टैचूज है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इन द हिस्ट्री। दिस वाज जस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द फीलिंग ऑफ द सिटी, पर कुछ खास काम आया नहीं क्योंकि स्कोप जी में इतने टूरिस्ट आते नहीं। So it was a bad investment, I would say. But interesting लगता है, इतने सारे statues क्यों है, कैसे है, इसे interesting ना। और इस ब्रिज में भी हो गए कम से कम 80 statues, तो कुल मिला के तो बहुत सारे statues हो गए। और मैंने सुना कहीं कि स्कोपजे में 1000 से ज़्यादा statues हैं, तो आप लोग आगे गिन लेना। मेरे पे गिनने की ताकत तो है नहीं, पर है कमाल का ये सिटी व्यू ऑफ स्टैचूज। चलेगा क्या सिटी ऑफ स्टैचूज ना? चलो चलते हैं, बज रहे 7:45। स्वागत है चैनल में आप लोगों का। चेकआउट कर लिया है वैलेंटाइन हॉस्टल से, हॉस्टल वैलेंटाइन 2 हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, हर जैसा फील होगा। इनके जो ओनर है, मम्मी ऐसे ट्रीट करती है अच्छे से, चाय बना के देती है, उठाती है, कैसी हो, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी थी। और सिर्फ 5.5 यूरोस, बस स्टॉप के इतने करीब। अभी जा रहे हैं स्कोप जी छोड़ के ओहित लेक। ओहित लेक में जाने के लिए बस लेनी पड़ेगी, जिसका टाइम लगता है 3 से 3.5 घंटा। टिकट मैंने पहले ही ले लिया था, 510 दिनार यानी कि 650 रुपये। और मेरी बस है 2 बजे और अभी बज रहे 1:40, तो जा रहा हूँ बस स्टेशन, उधर ही है। कल के सीन के बाद तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मैसेज होने आप पर ख़राब मेमोरी को निकालते हैं और नए सिटी पे चलते हैं। बज रहे बस लेटे हैं, मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम। फाइनली 40 मिनट बाद आ गई हम लोग की बस, तो शायद पॉसिबल से रात हो जाएगी। तीन घंटे के राइड के बाद हम लोग आ गए ओहित। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, पर ये माना जाता है एक बीच टाउन। क्यों? क्योंकि है यहाँ पे सबसे बड़ा लेक इन लोगों का, और वो लेक भी 3 कंट्री मिलकर शेयर कर रहा है, मैसेडोनिया, अल्बेनिया और थोड़ा बहुत ग्रीस के पास भी है। तो बहुत ही चिल्ड आउट सिटी है, यहाँ पे सब अपने मज़े में आए। और ज़्यादातर लोग मैसेडोनिया से यहाँ पे आते हैं वेकेशंस करने। तो मेरा हॉस्टल पास में ही है, वही वेलेस्टिन जो मैं हॉस्टल था स्कोपजे में, उसी का सेम हॉस्टल है। यहाँ पे बस स्टॉप से सिर्फ 400 मीटर दूर ऐसे आप लेक बीच के पास भी हॉस्टल ले सकते थे, पर वो थोड़े महंगे पड़ते हैं,
ये वाला सस्ता था तो ये वाला ले लिया। ये भी करीबन 5 से 6 यूरो के अंदर ही है, और जो कि बीच के साथ में है वो अराउंड 10 या 15 यूरो के पास है। बीच पे तो चलेंगे, रहना सस्ता चाहिए। और आप जैसे ऐसे बजट हॉस्टल में रहते हो, आपको मिलेंगे फेलो इंटरेस्टिंग ट्रैवलर्स जो कि आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ये सब आपको एक्सपेंसिव हॉस्टल्स में शायद कम मिलेंगे। तो 7:15 बज रहे हैं, मैंने चेक इन कर लिया है और रूम भी बढ़िया है, और जो बीच साइड है वो कम से कम 30 मिनट दूर है। तो 10 मिनट चल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ बीच तक। बहुत ही चिल आउट सिटी है, सिटी नहीं टाउन कहूँगा या मैं बिग सिटी कहूँ। एकदम रोड पे लगे हुए घर, चर्च और मॉस्क का मिलन हर जगह मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि टर्की ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे था कुछ सालों के लिए, और फिर कैथलिक तो है ही, इसलिए छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे गाड़ी और कई सारे कुत्ते। तो ये मेन वॉकिंग स्ट्रीट, और यहाँ पे सब टूरिस्ट लोग आते हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओरित इज मोर ट्रैवलर फ्रेंडली एंड मोर टूरिस्टिक देन इट्स कैपिटल सिटी ऑफ स्कोपजे। यहाँ पे आपको कुछ लोकल टूरिस्ट भी मिलेंगे जो कि ऐसे ही बालकल्स में रहते हैं पर घूमने आते हैं ओरित में। मैसेडोनिया के टॉप से मिलेंगे आपको लोग, और हम आप जैसे कुछ ट्रैवलर्स भी मिल जाएंगे स्पेशल जगह पे, जिनसे मैं मिलाऊंगा अगले वीडियो पे। और ये स्ट्रीट मार्बल की है, बहुत ही स्लिपरी है, और कंजेशन होने की वजह से मज़ा आ रहा है, क्योंकि बाकी सब जगह यूरोप में तो बहुत खाली खाली थे। पॉपकॉर्न लिया है 30 दिनार मतलब 40 रुपये में, और ये आगे हम लोग लेक पे। यूरोप का ये भाग आप कभी भी नेट में, इंस्टाग्राम में या फिर ट्रैवल ब्लॉग्स में नहीं देखोगे, क्योंकि ये है एक ऑफबीट जगह। और ऑफबीट जगह का खासियत पता है क्या है? एक होता है प्राइजेस कम, नॉन टूरिस्टिक टूरिस्ट कैम्प उतने नहीं होते यहाँ पे, और आपको असली खूबसूरती देखने का मज़ा मिलता है। आई एम लकी कि मैं मुझे ऐसी जगह देखने का मौका मिला, एंड आई एम ऑल्सो लकी कि मैं इसको शूट करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इस पार्ट ऑफ द बाल्कन्स इज अमेजिंग। यूरोप आओ, वेस्ट में तो जाओ ठीक है, पेरिस वगैरह जगह जाओ, पर बाल्कन्स का भी ट्रिप करना। बाल्कन्स आर ग्रेट, बाल्कन्स आर अमेजिंग।